My name is Adnan Chappai, and today we are discussing strategy, external assessment in strategic management. What is external factors? What are external factors? Lastly, we have discussed. We have two types of analysis. हमने lastly जब discuss किया था किसी भी firm को जब हम उसकी strength और weakness का analysis करते हैं तो हमारी उस firm के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट कर रही होती हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी हम आज एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं हम उसको पढ़ेंगे। की एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की बस से बाहर होते हैं, यानी वो चीज़ें हो आपके ऊपर अफेक्ट करती हैं, आप उसको चाहते हुए भी आप लेकिन आप उसका थ्रेट मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो लिहाजा ऐसी चीज जितनी भी होती हैं जो फर्म की वर्किंग के ऊपर, फर्म की के उसकी पॉलिसीज के ऊपर जो भी चीज अफेक्ट कर रही होती है उसे एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो सब फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड, जैसे कि सबसे पहले कंपेटिटर है। कंपेटिटर आपके अपने हाथ पे नहीं होता, आप क्योंकि आप उसे वो आपसे कम्पीट कर रहा होता है, उसका काम ही है कि उसने आपसे आगे जाना है। वो बेसिकली आपकी वीकनेसेस और आपकी थ्रेट्स को जो है ना प्ले कर रहा होता है। आपने उसकी कंपेटिटिव, उसकी जो राइवलरी है उसको स्टॉप करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ मीट करना होता है। मार्केट में हमेशा गैप होता है, देयर इज ऑलवेज अ रूम टू परफॉर्म। सेकेंडली सप्लायर। सप्लायर जो है वो भी बिल्कुल एक बड़ा की एक्सटर्नल फैक्टर है। आप सप्लायर जो है उसके डिपेंडेंट होते हैं, सप्लाईज आपको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी इनपुट चाहिए, यू आर डिपेंडेंट ऑफ सप्लायर। आपसे अगर आपका कंपेटिटर उसे अच्छी ऑफर करता है वो आपको नहीं देगा, डेफिनेटली आप बाउंड है कि अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करें उनकी टर्म्स के ऊपर। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी। क्रेडिटर्स आपको फाइनेंस नहीं करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज वीक हो जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। सेम कस्टमर्स के साथ है, जब कस्टमर्स ही आपके साथ लॉयल नहीं होंगे या आपका कस्टमर स्विच हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगी या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपसे वो सर्विसेज नहीं लेगा, तो भी आपकी एफिशिएंसी जो है वो उसको जो है वो डाउन होगी और आपको अपने गोल्स को रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी। इसी तरह कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ का ये है कि आपके मुख्तलिफ सेक्ट हैं, आपकी कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट। आपने कभी फोकस किया हो कोई एड पे कि जिस तरह एक हिलाल की एक प्रोडक्ट है डेंग डोंग च्युइंग गम, उसके उन्होंने हर कम्युनिटीज़ के हिसाब से अपने एड्स बनाए हैं। जैसे उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, पंजाबी में भी है, आपके पास सिंधी में भी है, पश्तो में भी है। बेसिक उनका पर्पज़ ये है कि हर किस्म की वो टारगेट मार्केट को अट्रैक्ट करें और उनमें परफॉर्म करें। तो उन्होंने इसको लैंग्वेज बैरियर को जो है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये किया। मैनेजर्स अगेन की एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो जा सकते हैं, वो स्विच करके जा सकते हैं। फिर आपके स्टॉक होल्डर्स हैं, फिर लेबर यूनियंस है। लेबर यूनियंस एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो लेबर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो भी होते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसमें ये प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं। फिर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फिर प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं। इन सब चीज़ों को हम जो है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हमें मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने के लिए आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट के अंदर ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं इजीली, और उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो भी आपके पास की स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, आपका सप्लायर नेटवर्क हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आपके जो है क्या कहना चाहिए स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपकी जो की स्ट्रेंथ्स हैं आपने उन्हें अपॉर्चुनिटीज के साथ मिंगल अप करना है, सो दैट आपकी वीकनेस भी कवर हो रही हो और आपकी जो थ्रेट्स आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आप उसको भी मिनिमाइज कर रहे हो। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, आप मिनिमाइज करेंगे। जब उन थ्रेट्स को आप मिनिमाइज करेंगे तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ उनको मैनिपुलेट करने के लिए या उनको रोकने की ही रहेंगे और आप अपने जो है टारगेट्स या अपने गोल से दूर होते जाएंगे। जब भी कोई फर्म और एक्सटर्नल एनालिसिस करती है तो हम एक्सटर्नल ऑडिट्स कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल उसका जो फैक्टर्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो उसमें यही है कि आप उसकी लॉन्ग टर्म ऑरिएंटेशन करें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको बार 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 उसमें जो है उसको स्टडी करें, उसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको स्टडी करें, जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी चेंजेस अडॉप्ट करें, इवन जो आपका कंपेटिटर अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहा है आप उससे भी वेल अवेयर्ड होने चाहिए। फिर हर चीज़ की आप
अकाउंटेबिलिटी करें, एवेल्यूएट करें उसको मुख्तलिफ जगहों पे, अपनी चीज़ों को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने इंडिकेटर्स को, अपने कंपेटिटर की परफॉर्मेंसेस को एवेल्यूएट करें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम जो है उसकी ऑडिटिंग आ रही है और आपको पता हो आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका कंपेटिटर आपसे आगे है, आपसे पीछे है, आपके एट पार खड़ा है, आपको क्या चेंजेस करनी है, आपको क्या नई पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है टुवर्ड्स योर गोल अचीवमेंट, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कहें जो कंपेटिटिव फर्म्स हैं आपकी, आप उनसे आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं अपनी कॉस्ट पे, अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे, अपनी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे, और आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ऑडिट के अंदर हो सकती हैं। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसका जो होती है उसकी जो राइवलरी होती है, जो उसका होल्ड होता है, वो कैसे कायम रह सकता है या उसको क्या चीज़ ख़राब करती है। तो पोर्टर एक रिसर्चर था, उसने इसमें अपने कुछ मॉडल डिफाइन किया था, इसको कहते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इसके अंदर उसने बड़ा क्लियरली बताया कि राइवलरी अमंग कंपेटिटिव फर्म्स जो है वो कैसे कायम रह सकती है और उसको वीक कैसे किया जा सकता है। जब आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होगी, कि आप सप्लायर के डिपेंडेंट होंगे और वो आपसे अपनी मनपसंद की जो है वो प्राइसेस ले रहा होगा और आपको अपनी मर्जी से दे रहा होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर जब भी ज़्यादा होगी आपकी राइवलरी वीक हो जाएगी, आपका होल्ड वीक हो जाएगा, कंपेटिटिव फर्म्स ज़्यादा आपसे ऊपर जाएंगे और कंपटीशन में आप स्लो हो जाएंगे या पीछे। इसी तरह अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, अगर आपकी जो प्रोडक्ट जो आपका कंज्यूम कर रहा है, अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कस्टमर और कंज्यूमर दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है? कस्टमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर वो होता है जो एंड यूजर होता है, कस्टमर ये हो सकता है कि आपसे लिया उसने आगे बेच दिया, और कंज्यूमर वो हो रहा है जो लेके उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी एंड यूजर है। तो जो एंड यूजर होता है वो अपनी जो डिमांड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए भी बाज़ औक़ात उसकी अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है और वो अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड को लाइक करता है, किसी भी चीज़ को लाइक करता है आपकी, तो वहाँ भी कंपटीशन की फिजा जो है ना वो चेंज हो सकती है। इसी तरह पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जब आप एक अगर आपकी राइवलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक प्रोडक्ट आप दे रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट का आपको कंपेटिटर मार्केट में आ जाता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट होती है, लोग उसकी तरफ जाते हैं, लोग हो सकता है आपसे बदगुमान भी हो जाए कि जी एक प्रोडक्ट थी जिसके लिए वो आपको इतना पे कर रहे थे और उसकी प्राइस भी नहीं है, और उसकी जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट है वो आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है और उससे प्राइस भी कम होती है, तो उससे भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सीरियस थ्रेट होता है। इसी तरह आपका आप बड़े स्मूथली आप अपना राइवलरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप अपना वो कंपेटेटिव एडवांटेज ले रहे होते हैं, आपका कोई कंपेटेटर नहीं हो रहा था, अचानक से एक ऐसा एंट्रेंट आता है कंपटीशन कंपेटेटर आपका और वो हर चीज़ जो है ना मलियमेट कर जाता है। जैसे कि आप देख लें चाइना ने बहुत सारी मार्केट को डिस्ट्रॉय किया, वो पोटेंशियल एंट्री ऑफ अ कंपेटेटर थी उसकी, उसने अपने उसके पास रॉ मटेरियल सस्ता था, उसके पास लेबर सस्ती थी, उसने सारी दुनिया को जो है ना एक सीरियस किस्म का थ्रेट दिया। अब आप देख लें जितने भी आपके ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, ये जितने भी आपके इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड हैं, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, इसलिए कि उसकी क्वालिटी जो थी, उसके पास लेबर जो थी वो चीप थी, उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी, उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, और वहाँ जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी जाहिर बात है कि प्राइस भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू हम कहीं और बनाएं, तो उसने जो है आके अपनी राइवलरी कायम कर ली। तो ये इसी तरह ही है, कोई भी फर्म किसी वक्त अपनी राइवलरी कर सकती है और किसी की राइवलरी हिट भी हो सकती है। अब हम करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। अब हम किसी इंडस्ट्री को अगर एनालिसिस करते हैं तो इसके एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन एक है, एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होती है। एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैं आपको पहले बता दूं फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन जो मैट्रिक्स होती है, इट इज अ एनालिटिकल टेक्निक रिलेटेड टू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। तो ये एक एनालिटिकल एनालिसिस है जो किसी भी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कि हम एक इसमें ग्राफ या मैट्रिक्स डिजाइन कर लेते हैं जिसमें हम चीज़ों को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और आगे उसकी ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कि इसमें दिखा है कि एवोल्यूशन प्रोसेस कैसे, प्रोसेस टेबल ऑफ इंटरनल फैक्टर्स जो है हम उसको रेट कर लेते हैं 5 पॉइंट स्ट्रेंथ के और 5 पॉइंट वीकनेसेस के। जो ज़्यादा होंगे डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन बेहतर, मतलब थ्रेट उसका कम होगा, और अगर आपकी वीकनेस के पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह ये देख लें इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 4 पॉइंट्स हैं तो आपका मेजर अपॉर्चुनिटी है, 3 पॉइंट्स है तो आपके पास माइनर अपॉर्चुनिटी है, 2 पॉइंट्स है तो माइनर थ्रेट है, और 1 पॉइंट है तो मेजर थ्रेट है, यानी लोअर आपकी
वो जो है थ्रेट है, तो इट मींस कि आपके पास डोमिनेंट है आप। और इसी तरह अगर आपके पास आपकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अगर स्ट्रॉन्गर है तो आपके पास मेजर स्किल है कम्पीट करने का। फिर इसकी वेटेड एवरेज रेशियो है, और फिर उसमें उसने नीचे आके पॉसिबल स्कोर बताया कि बेस्ट पॉसिबल स्कोर इज 1-4 एंड द वर्स्ट स्कोर इज 1। तो जो वैल्यूज हैं इसके बीच में रहती हैं, इसके हिसाब से हम वैल्यूएट कर लेते हैं कि हम एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन के में वो जो पॉइंट्स थे, सिर्फ वो एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन के पॉइंट्स हमने मैट्रिक्स में सारे डिस्कस कर लिए थे। हम उसके बाद अब हम आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस। अब वही हमने पढ़ा कि टोटल वेटेड स्कोर जो था 4 था, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स वॉज आउटस्टैंडिंग टू थ्रेट्स एंड वीकनेसेस। और वही बात होगी कि अगर हमारा स्कोर जो है 4 है, तो इट मीन्स कि हमने थ्रेट्स को बहुत बेहतर लिया है और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया है। और इसी तरह अगर आपका वेटेड स्कोर जो है वो 1, तो वो अब टोटल वेटेड स्कोर जो है अब इसका 1 अगर होगा, तो फर्म की स्ट्रेटजीज जो होंगी वो जो है वो नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी और अवॉइडिंग थ्रेट होगी। यानी कम को फर्म को जो चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने स्ट्रेटजीज को रीएवेलुएट करें, अपॉर्चुनिटीज को रीएवेलुएट करें, और थ्रेट्स को अवॉइड कैसे करना है वो सारी पॉलिसी उसकी दोबारा करें। अब हम आते हैं जी इंडस्ट्रियल एनालिसिस कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स सीपीएम में। इसमें ये होता है कि फर्म को अपने मेजर कंपेटिटर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करनी होती है। यानी कि आपने अपनी तो कर ली, अब आपका जो कंपेटिटर है आपको अब चाहिए कि अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या कंपेटिटर देखेंगे जी कंपेटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है उसकी की स्ट्रेंथ तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, उसके सप्लायर्स हों, उसकी यानी मीन्स के उसके पास रॉ मटेरियल के इनपुट्स जो है वो चीपर हो आपसे, और फिर उसके पास ये ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास टेक्निकल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सो एवर इट इज। उसकी वीकनेसेस यही हो सकती हैं कि उसका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका थिंक टैंक वीक है, उसके फाइनेंशियल वीक है। और फिर आप उसको जो है एक उसका आप ओवरव्यू बना के उसको सारी चीज़ों को एग्जांपल फॉर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दे के फिर आप उसे अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जी हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, हम क्या करें तो हम उनसे बेहतर जब परफॉर्म कर सकते हैं, और क्या वो जो पॉलिसीज ले रहे हैं उनसे हमें किस हद तक थ्रेट आ रही है। ठीक है, ये है जी जो है आपकी की सक्सेस फैक्टर्स जो हैं क्या हो सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, वो बताए गए हैं कि आप ये देखें कि जी मार्केट शेयर रेटिंग 3 थी, और एप्पल की गेटवे, एप्पल और डेल ये तीन आपके जो हैं ब्रांड्स हैं जो इसमें आपके टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, जिसमें लैपटॉप्स भी आते हैं आपके सारे। अगर हम उसी में देखें टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में देख लें तो मार्केट शेयर के हिसाब से गेटवे की 3 है रेटिंग, एप्पल की 2 है और डेल की 4 है। इट मीन्स कि डेल की बेहतर है, गेटवे मिडिल में है, एप्पल इज डाउन। इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं हम, अब इन्वेंट्री सिस्टम किसका स्ट्रॉन्गर है, अगेन डेल का स्ट्रॉन्गर है, गेटवे और एप्पल का सेम है। ठीक है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग की अगर बात करें तो गेटवे की वीक है, एप्पल और डेल जो है एक दूसरे के राइवल हैं इसमें। हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो आप ये देखें कि एप्पल की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से बेहतर है, इसलिए हमें भी पता है। इसलिए अब आप देखें कि वो जो है एप्पल जो है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर है। अब आप देखें उसके पॉइंट्स भी 4 हैं यहाँ पे अगर हम उसकी रेटिंग स्केल देखें, और फिर डेल है, डेल और गेटवे वो बराबर बराबर हैं। अब हम कंज्यूमर्स लॉयल्टी या कस्टमर की लॉयल्टी फैक्टर देखें तो डेल इजीली अवेलेबल है, इजी टू हैंडल है, इकोनॉमिकल पोजिशनिंग में आता है, इसलिए लोगों का रुझान उसकी तरफ ज़्यादा है और इसलिए उसकी रेटिंग 4 है और बाकी है। अब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेल की और गेटवे की एक जैसी है, एप्पल की वीक हो गई है। ठीक है, ग्लोबल एक्सपेंशन देख लें, डेल की बहुत ज्यादा है, डेल ने ग्लोबली ग्रो किया है, सारा किया है, एप्पल की लिमिटेशंस है, एप्पल का लिमिटेड सेगमेंट है, उसकी वीकर आ रही है अपॉर्चुनिटीज को रोकने की। ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगेन वो इक्वल है सबका, डेल का कंपेरेटिवली बेटर है। तो आप इनसे देखें कि ये जो है इसका कंज्यूमर जो है सक्सेस फैक्टर्स जो है एवेल्यूट फर्म का जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आप उसको मार्केट शेयर के हिसाब से ले रहे हैं, आप उसकी इन्वेंट्री सिस्टम ले रहे हैं कि उसके इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन में आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग होगी, फिर प्रोडक्ट क्वालिटी में प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, मॉडल्स हो गए और ये चीज़ें हो गई, और आपका डिजाइनिंग हो गई, उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर। फिर कंज्यूमर लॉयल्टी के अंदर ये है कि आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर आपके साथ कितना लॉयल है और आपको वो जो है वो क्या वेटेज देता है उसके हिसाब से है। फिर आपके ग्लोबल एक्सपेंशन क्या हैं, आप ग्लोबली ग्रो कैसे कर रहे हैं, हाउ यू आर हैंडलिंग द आपका क्या कहना चाहिए इसको, ग्लोबल कंपेटिटिव एडवांटेज। अब हम इन तीनों कंपनीज की बात करते हैं,
प्रोडक्शन कैपेसिटी की है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से आप ये देखें कि उनकी वेटेड स्कोर आ रहा है 0.04, 0.12 और 0.12। अब रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ई कॉमर्स के हिसाब से भी सेम है। हाँ, अब कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर सर्विस में डेल बहुत ज़्यादा है। डेल के कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर्स बहुत हैं और इजीली अप्रोचेबल है, उसकी ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन उसकी आप देखें डेल की है, बहुत सारी चीज़ों में वो बेहतर है। उसके ड्राइवर्स हर चीज़ आपको ऑनलाइन सिस्टम से मिल जाते हैं। एप्पल की वीकर है, एप्पल में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका जो है वो कंपेटेबिलिटी इशू है। और फिर इसका प्राइस कंपेटेटिव में आए तो प्राइस कंपेटेटिव रेंज में देखें, इकोनॉमिकल सिस्टम अगर प्राइस कंपेटेटिव देखें तो गेटवे, जाहिर बात है कि अगर आप वैसे भी कंपेयर करें तो गेटवे इज अ चीपर डिवाइसेस। तो गेटवे का रेटिंग 4 आ रही है। एप्पल बहुत एक्सपेंसिव होती है इसलिए प्राइस कंपेटेटिव उसका हो ही नहीं सकता। वो तो एक क्या कहते हैं ब्रांड है और वो डिफरेंट है, वो एक्सपेंसिव है। डेल जो है वो तो फॉल करता है मीडियम रेंज में, इसलिए उसका रेटिंग स्केल है। और मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो डेफिनेटली एप्पल की मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए 4 है और डेल और उसमें वो इक्वल आ रही है। अब हम की एक्सटर्नल फैक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट अनटैप्ड के अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की या क्या है। तो आपने अगर उसमें ये देखें कि आपने ग्रो करना है, तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी ग्रोथ है तो आपकी अगर अपनी मार्केट में नहीं है तो आप डेफिनेटली अदर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। आप नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं या आप नेबरिंग जोन में जाते हैं, तो ग्लोबली ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं और ग्लोबल मार्केट्स को आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो आप जब ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं तो आप डेफिनेटली डिमांड्स को उनकी टैप कर रहे होते हैं, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और इसी हिसाब से आपका जो है ग्रोथ भी है और आपका काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं इस पर देखें। और इसी तरह थ्रेट जो आपको हो सकती है, अगर आप ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं, तो आपको लेजिस्लेशन उसके ऊपर आ सकती है। तो अब अगर ये जो आपके पास चार्ट खुला हुआ है, ये यूएस टोबैको कंपनी का है। टोबैको कंपनी के वो बता रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कि उसने जो अपने ग्लोबल मार्केट्स अनटैप्ड हैं उन सेगमेंट्स को वो देखे जाके और उनको एक्सप्लोर करे, डिमांड को इंक्रीज करे, इंटरनल ग्रोथ करे, और जो सोशल प्रेशर टू क्विट स्मोकिंग है उसका भी देखें दिया हुआ है। और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन है टोबैको पे इंडस्ट्री के ऊपर वो आ सकती हैं, बैन्स आ सकते हैं पब्लिक स्मोकर, प्रोडक्शन लिमिट्स हैं टोबैको कंपनीज के ऊपर के टोबैको स्मोकलेस मार्केट्स हैं कुछ जगहों पे। आप देखें कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है आपको ओपन एरियाज में या नहीं है कहीं पर स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है, उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको एक डिफाइंड स्मोक एरिया में स्मोक करना, तो उसकी वजह से भी आपको एक थ्रेट है कि जी आपकी सेल्स सफ़र कर सकती हैं। तो यही फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी, अब यही हम टोबैको या किसी भी कंपनी पे हम करते हैं, हम सैमसंग एप्पल या किसी भी और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को हम करते हैं, तो उसके पास भी यही है कि उसने कोई नई कोई ग्लोबल मार्केट उसने अनटैप थी उसने किया। अब देखें नोकिया ने एक फ़ोन डिज़ाइन किया था जो इनका सबसे छोटा फ़ोन आया था ये पिछले दिनों लास्टली कोई नोकिया सिंपल फ़ोन था जिसके अंदर मल्टीपल फ़ोन बुक का कॉन्सेप्ट था, नोकिया 101 था या मॉडल जो भी था उसका। तो उसके अंदर उनका जो था बेसिकली उन्होंने बनाया था साउथ एशियन मार्केट के लिए। जब उन्होंने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने देखा कि जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट का, तो उन्होंने जो लॉन्ग रेंज बैटरी वाले फ़ोन्स बना दिए। फिर उन्होंने देखा कि जी यहाँ पर फैमिलीज ऐसी हैं कि एक फैमिली में एक ही फ़ोन है जिसे 5 बंदे मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, उन्होंने मल्टीपल फ़ोन बुक का कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने इसी से उसकी फिर डिमांड ओरिजिनेट की। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम था, फिर उन्होंने फ़ोन के अंदर टॉर्च जो है वो दे दी। तो नोकिया 1100, 1101, 101 ये सारे मॉडल जो थे ये हमारी मार्केट को देख के डिजाइन हुए थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को उठाया और किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जिसमें एवॉन है, लॉरियल है एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। अब हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ इसके। अब लॉरियल के अंदर देखें कि उसका रेटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखें, आप एवॉन की देखें, एवॉन की आपको एडवर्टाइजमेंट शायद नादे नजर आएगी, शायद किसी मैगजीन में या नहीं, इसलिए उसकी रेटिंग 1 है। लॉरियल की बड़ी ज़बरदस्त है, लॉरियल की आप देखते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल से भी है और उसकी भी है, लॉरियल ब्रांड है, वर्ल्डिंग में भी अब है, हमारे यहाँ तो इतना नहीं चलता लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत है। तो देखें उसका 4 है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का 3 है। अब प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो एवॉन की प्रोडक्ट वेरी क्वालिटी, एवॉन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, उनका क्वालिटी सेगमेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसका रेटिंग 4 है। लॉरियल 4 है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 3 है। प्राइस कंपटीशन में अगर हम जाते हैं एवॉन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिड रेंज में फॉल करती हैं, लॉरियल की भी इसी में ही है एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल की थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो एवॉन के मैनेजमेंट
जो है उनका रिसोर्स बहुत अच्छा है, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उनकी मिड रेंज में फाइनेंशियल पोजीशन भी उसकी ऑब्वियसली एवॉन की बेहतर है, और कस्टमर लॉयलिटी लॉयलिटी में बात यह है कि एवॉन के कस्टमर उसका कंपेटिटर उसको एडवर्टाइज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि उसकी कस्टमर बेस बड़ी स्ट्रांग थी, उसके कस्टमर्स उसके साथ लॉयल थे, उसके साथ चल रहे थे, तो इसलिए उनकी ब्रांड लॉयलिटी बड़ी स्ट्रांगर थी, इसलिए एवॉन को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप इसलिए देखें कस्टमर लॉयलिटी उनका एक जो थी स्ट्रेंथ है, तो कस्टमर लॉयलिटी के उनके पॉइंट्स 4 हैं और सेम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कम है। ठीक है, मार्केट शेयर भी है कि अवॉन का लिमिटेड शेयर है, उसके लिमिटेड उसके लॉयल कस्टमर है, लिमिटेड प्रोफाइल है, इसलिए वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल और लॉयल ज्यादा है। तो अब हम इसी तरह देखते हैं, हम इन अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अगर अपनी मिशन स्टेटमेंट को बनाएं, मिशन स्टेटमेंट जो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आवर बिजनेस इज, कि आवर मिशन इज टू प्रोवाइड क्रूज एंड ट्रेवल सर्विसेज टू ट्रेवलर्स वर्ल्ड वाइड टू डेवलप हाउस होल्ड नेम ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड टू नेम ब्रांड अवेयरनेस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट अर्थ सीज विच वी सेल। ये एक प्रपोज्ड इन्होंने बनाई है मिशन स्टेटमेंट एक सेलिंग कंपनी की, कि वो ये कहते हैं कि जी हम एक ऐसा क्रूज आपको देते हैं, ऐसी ट्रैवल सर्विसेज देते हैं जो ट्रैवल्स को वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आप अपने हाउस होल्ड नेम ब्रांड्स अवेयरनेस करें, अपने रिस्पेक्ट करें, आप अपनी प्रोटेक्ट अर्थ सीज, हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम उसको मतलब एनवायरमेंटल को भी प्रोटेक्शन देते हैं कि जी हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम चीज़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, हम अपनी कम्युनिटीज़ को और कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज़ को रेजिडेंट भी देते हैं, रेजिडेंसी भी देते हैं, एंड स्टे इनोवेटर, हम डिफरेंट चीज़ें भी लाते हैं, हम अपनी कॉस्ट कटिंग भी करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से हम जो है एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट डिवाइस कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। अब आप ये देखिए सीपीएम मैट्रिक्स जो है आपके कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स ऑफ ये रॉयल कैरेबियन, ये इसी का जिसका भी हम पढ़ रहे थे, इसका मार्केट शेयर क्या है जी, 3 है, सीसीएल आरसीएल पीओसी, कंज्यूमर लॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ग्लोबल एक्सपेंशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सपेंशन एंड डिपार्ट टू पोर्ट्स और की सारी चीजें। इसकी उसी तरह से रेटिंग जो हम डिस्कस की, स्ट्रेंथ की रेटिंग क्या है जी, आपकी अपॉर्चुनिटीज की क्या है, आपकी वीकनेस की क्या है, उसका जो नेट स्कोर आता है उससे हम कंपनी की वर्थ निकाल लेते हैं, जैसे 3.3 है, 3.5 है और उसकी तरह वाइस वर्सा। एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन के अंदर हमने जो पॉइंट्स उस वक्त भी डिस्कस किए थे उसका एक और ओवरव्यू आपको एंड में मैं दोबारा देना चाहूंगा, जिसके अंदर आपका एक जो है एक्सटर्नल फैक्टर में आपका इकोनॉमिक है, आपका ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, ऑल ऑफ अ सडन आपके कंपनी की जो इकोनॉमी है क्रैश कर गई, जैसे आपका करंट सिनेरियो ले लें, आजकल जिस तरह कोरोना का थ्रेट है या क्या है, दुनिया भर की इकोनॉमीज क्रैश हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। आप चाहते हुए आपके पास हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी भी है, कंपेटेटिव एडवांटेज भी है, रिसोर्स भी है, आपके पास कंपेटेटिव रेवलरी भी है, उसके बाद बावजूद आप काम नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमिकल क्रंच आ गया। डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं कि आपने एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे वो काम मुश्किल है। अब जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉक्टर गैम्बल की या किसी भी ब्रांड की या लॉरियल की या आपकी किसी भी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन की ऐसी होती हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती हैं और नॉर्मल कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए इसको डेमोग्राफिक फैक्टर कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्रीज में वो यहाँ पे आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं बेच सकते, ममानियत है, लॉज हैं, इसलिए वो डेमोग्राफिक फैक्टर को देखते हुए कर सकते हैं, वो यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट नहीं लगाएंगे जहाँ पे वो अल्कोहलिक बेवरेजेस या कोई इस किस्म की जो चीज़ बैन है उसको कर सकें, प्रोक्योर कर सकें। तो यही बात है कि वो इन फैक्टर्स का ख्याल करते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की थ्रेट्स क्या हैं, गवर्नमेंट की बाइंडिंग्स क्या हैं, गवर्नमेंट के जोन्स क्या हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशंस क्या हैं, फिर सोशल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, इसके एनवायरनमेंट आपका कैसा है, आपका जो है एनवायरमेंटल जो है एनवायरनमेंट इसका आपका है कैसा, आपके पास यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज कितने प्रिवेल करते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजिकल आउटकम क्या है, जैसे कि आप बहुत अच्छी ऑटोमाइजेशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपके पास बिजली की रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, आपको गैस चाहिए, आपके पास गैस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट आ जाता है, फिर इसी तरह कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे पंजाब सिंध और आपका जो आपका केपी के और बलूचिस्तान है, इसका कल्चरल वेरी डिफरेंट, इवन अगर आप अपने पंजाब को देख लें तो अपर पंजाब और आपका जो साउथ पंजाब है उसमें हेल ऑफ डिफरेंस इज बिटवीन कल्चर्स, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, कंपनीज को इसी तरह चीज़ों को बेस करके जो है ये कंपेटेटिव एडवांटेज करते रहेंगे। तो हम इसको यही चीजें हैं जिसको हम देखते जाएं, तो ये हम मैं कह सकता हूँ कि हम जब कोई भी फर्म परफॉर्म करना चाह रही होती है तो वो उसको अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को एवेल्यूएट करना चाह रहे होते हैं, चाह नहीं रहे होते बल्कि उनको करना पड़ता है, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब तक हम एवेल्यूएट नहीं करेंगे हम उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे थ्रेट्स को, हमारे पास सब कुछ है, हम परफॉर्म भी करना चाहते हैं, सब कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें नहीं करने देते, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये थ्रेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे मिनिमाइज करना है, और जो फर्म इसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर लेती है
वो डेफिनेटली सक्सेस स्टोरी बन जाती है, उसकी स्टोरी बहुत सक्सेसफुल होती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ देयर ग्रोथ. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे आवर एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनालिसिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द इंटरनल थ्रेट्स एसोसिएटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू वेरी मच.